कानपुर देहात के थाना सिवली के अंतर्गत लालपुर सराय गांव में रहने वाले व्यापारी बलवंत की पुलिस की बर्बरता के चलते मौत हो गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद मृतक के चाचा की तहरीर के आधार पर 6 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की 6 टीमें लगाई गई थी। इसके चलते घटना के अज्ञात आरोपियों की शिनाख्त करते पुलिस ने तत्कालीन टीम के सोनू यादव और अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए मृतक बलवंत की घटना में समस्त आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, जिसके चलते पुलिस टीम ने बीते गुरुवार को तत्कालीन SOG प्रभारी प्रशांत गौतम को गिरफ्तार कर लिया था। पूरे मामले में पुलिस की टीम ने अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के जिलों के साथ साथ आरोपियों के गृह जनपद में भी पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक सुनीति ने बताया कि थाना रनिया में हत्या का मुकदमा दर्ज है, जो कि बलवंत सिंह से संबंधित है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें लगाई गई थी। मुकदमे की विवेचना के लिए प्रकाश में आए सोनू यादव मुख्य आरक्षी, तत्कालीन स्वात टीम दुर्गेश कुमार मुख्य आरक्षी, तत्कालीन स्वात टीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को पूर्व से ही सस्पेंड कर दिए गए थे। कानपुर देहात के थाना सिवली के अंतर्गत 6 दिसंबर को व्यापारी चंद्रभान के साथ हुई लूट की घटना के खुलासे में जुटी पुलिस की टीम SOG टीम ने संदेह के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें लूट का शिकार हुए चंद्रभान का भतीजा बलवंत भी मौजूद था। वहीं पूछताछ के दौरान बलवंत पुलिस की बर्बरता का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आनंद फानंद पुलिस अधीक्षक सुनीति के निर्देश पर आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।